हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और आप सभी का आपके प्यारे से YouTube चैनल में एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कूल रीओपन के बारे में कि स्कूल कब से रीओपन हो रहे हैं, कौन कौन से क्लासेस ओपन होंगे एंड जो हेल्थ मिनिस्ट्री के जो गाइडलाइंस हैं वो क्या गाइडलाइंस हैं जिसको हर एक बच्चे को, हर एक स्कूल को सख्ती से पालन करना पड़ेगा। तो देखिए, स्कूल जो रीओपन होंगे वो क्लास 9 टू क्लास 12 के जो क्लासेस हैं वो ओपन होंगे, ठीक है। और इसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी अभी जो है एक गाइडलाइन भी उन्होंने जारी किया है, तो उसी के बारे में डिटेल से एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। ये न्यूज जो है ये एबीपी लाइव के आर्टिकल में छपा है, जो कि आप इसमें ट्रस्ट कर सकते हैं। देखिए, इसमें इन्होंने कहा है कि स्कूल जो रीओपन होंगे वो स्कूल सबके रीओपन होने जा रहे हैं 31 सितंबर 2020 को, मतलब 21 सितंबर के बाद आप स्कूल जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं। अगर उसी कंडीशंस को अगर आप फुलफिल करेंगे तभी आप स्कूल जा पाएंगे। जैसे पहले अगर कोई भी बच्चा स्कूल जाता है तो उसके लिए सबसे पहले अपने पेरेंट्स से उसके लिए रिटर्न में लेना पड़ेगा, रिटर्न में उनको एफिडेविट्स बनवाना पड़ेगा और वो एफिडेविट्स स्कूल में सबमिट करना पड़ेगा। इनकेस अगर बच्चे के साथ, स्टूडेंट के साथ कुछ होता है जैसे कोरोना से रिलेटेड, तो उसके लिए पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की होगी, स्कूल या प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इसका पूरी डिटेल्स स्टडी, क्या आर्टिकल छपा है इसमें, क्या न्यूज़ है, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, वो सारी चीज़ें देखते हैं। देखिए, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने 21 सितंबर से क्लास 9 से 12 के स्टूडेंट के लिए स्कूल खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी किया है। स्कूल खुलने के साथ ही इन गाइडलाइन को फॉलो करना जरूरी होगा, मस्ट है, इन गाइडलाइन को आप पूरी तरीके से फॉलो करेंगे। ये गाइडलाइन अनलॉक 4.0 के अंतर्गत दिए गए निर्देशों का भरपूर पालन करती है। अभी स्कूल पूरी तरह नहीं खोल सकते, केवल पार्शियली रीओपनिंग होगा। देखिए, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्कूल जो है आपका पार्शियली रीओपन होगा, पूरी तरीके से नहीं खुलेगा, ठीक है। जिसके लिए भी स्कूल को हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा जारी SOPPG का पालन करना होगा। अभी स्कूल केवल हायर क्लासेस के स्टूडेंट के लिए खुल रहे हैं ताकि उनकी पढ़ाई का नुकसान और ज़्यादा ना हो। अभी स्कूल की रीओपनिंग वॉलंटियर बेसिस पर हो रही है। इस बार की रीओपनिंग की खासियत यह है कि स्टूडेंट को स्कूल आने से पहले अपने पेरेंट्स से इस बाबत एक डिक्लेरेशन साइन कराने देना होगा कि वे इस माहौल में अपने बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार हैं। जो स्कूल खुलेंगे उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि पेरेंट्स को इसी के लिए एक आपका डिक्लेरेशन देना होगा कि वो एग्री है कि उसका बच्चा, उनका जो बच्चा है वो स्कूल जा सके। तो इसके लिए डिक्लेरेशन पेरेंट्स का लेना ज़रूरी है। जो बच्चा डिक्लेरेशन नहीं लेगा तो उनको स्कूल जाने का मौका नहीं मिलेगा। देखिए, इसकी जो कुछ खास बातें हैं वो क्या हैं, सभी स्टूडेंट को जहाँ तक हो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है आपको करना पड़ेगा और एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी। मतलब एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट के बीच की जो दूरी है वो 6 फीट की होनी चाहिए। स्कूल में फेस कवर या मास्क का प्रयोग मैंडेटरी होगा। मतलब आपको जब स्कूल आप जाएंगे तो फेस मास्क के साथ जाएंगे। अगर आप फेस मास्क नहीं पहन के जाते हैं तो उस केस में आपको स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगा। इसके साथ अगर आपके हाथ अगर गंदे नहीं भी हैं तो भी आपको 40 से 60 सेकंड तक का समय जो है आपको हाथों को वॉश करते रहना है, ठीक ना। और जो आप हैंड वॉश करेंगे वो कंटिन्यूसली जो है एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद आपको अपना हैंड जो है वो वॉश करते रहना है, ठीक है। मतलब इसके लिए आपको सैनिटाइज़र वगैरह स्कूल ले के जाना होगा जिसमें अल्कोहल्स होते हैं, वैसे सैनिटाइज़र लेके जाना होगा आपको। इसके बाद है रेसिपिटरी एटिकेट्स को कड़ाई से फॉलो करना होगा, यानी छींकते या खांसते वक्त मुंह पर कपड़ा या रुमाल या टिश्यू रखना है और टिश्यू को सही स्थान पर फेंकना है। ऐसे नहीं कि अगर आपको छींक आती है और आप ऐसे ही खुले में छींक रहे हैं, आपको उसके लिए कपड़ा, रुमाल या टिश्यू का प्रयोग करना है। जब आप टिश्यू का अगर यूज़ करते हैं तो उसको कहीं एक ऐसे डस्टबिन में फेंकना है जो क्लासेस से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है। देखिए, इसके बाद है हेल्थ की सेल्फ मॉनिटरिंग करनी है और जरा भी तबीयत खराब लगे तो जल्द से जल्द बताना है। अगर आपके स्कूल में तबीयत खराब होती है, सर दर्द होता है, जुखाम होता है या फीवर होता है, कुछ भी होता है, तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन स्कूल को देना है, छुपाना नहीं है, ठीक है। आपको कहीं भी थूकना नहीं है,
थूकने की सख्त मनाही होगी। बच्चे क्या करते हैं क्लास में बैठ के थूकते हैं, तो इस पर सख्त मनाही है, आप कहीं पर भी थूक नहीं सकते हैं। तो ये सारी कुछ सावधानियाँ हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हर एक स्टूडेंट को, हर एक स्कूल्स को, हर एक पेरेंट्स को फॉलो करना है। इसी के बाद जाके आपका स्कूल जो है रीओपनिंग होगा 21st of September को। तो 21st of September के बाद से आप अपना स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं जो क्लास 9 से 12th के स्टूडेंट हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।